ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि और पंचायत विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से। ओम प्रकाश जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था फसल बीमा योजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस योजना पर विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, लेकिन आप ठीक है, विपक्ष पर आप बोल सकते हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन तस्वीरें सर सामने आ रही है जहां पर किसान इसका प्रोटेस्ट कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि जबरन पैसा उसके खाते से काट लिया जाता है, पैसा हमारा वापस करो, हमें ठगा जा रहा है। किसान को एक बात समझनी पड़ेगी और उसको बुद्धू मत बनाइए, कम से कम विपक्ष भी ना बनाए, किसान नेता भी नहीं बनाए। दुनिया में जितनी भी चीज़ों का लोन लिया जाता है, अगर उस लोन के अगेंस्ट बीमा अवेलेबल है तो कोई भी बैंक बिना बीमा के लोन नहीं देता। अगर फसल बीमा का जहाँ जहाँ पहले भी लोन अवेलेबल था वहाँ बीमा कंपलसरी ही होता था, आज पूरे प्रदेश में हो गया है तो सबका बीमा पैसा देने से पहले, क्रॉप लोन देने से पहले बीमा बैंक करेगा ही करेगा। इस व्यवहारियता को, ये पूरी दुनिया की व्यवहारियता है, इसको समझिए। इसके अलावा कोई अतिरिक्त कहीं भी ऐसी बात हो किसी भी लोन के बारे में तो आप टोटल टीवी के माध्यम से या करुणा जी आप मुझे बताइए, अच्छा लगेगा। ये किसानों को बरगलाइए मत, जहाँ जहाँ भी किसी चीज़ का लोन लिया जाता है अगर बीमा अवेलेबल है तो बैंक उसका बीमा करते ही करते हैं। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जी मैंने तो धान का लोन लिया था और फसल मेरी बाजरे की है, बैंक को क्या मालूम है कि आपकी बाजरे की फसल है? आपको बताना पड़ेगा। जब मैं फसली ऋण लेने गया था तब मैंने जो लिखाया था बैंक ने उसका बीमा कर दिया। बैंक के पास ओम प्रकाश धनखड़ की जानकारी ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ धान उगाने वाला है। ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना पैटर्न बाद में चेंज कर दिया, 2 एकड़ में बाजरा उगाया, 3 एकड़ खाली रख लिया, बैंक को तो नहीं मालूम। बैंक को ठीक जानकारी मैंने देनी पड़ेगी कि मैंने ये किया है। तीसरी बात, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है इसका जो पैसा मिलना है किसानों को वो क्रॉप कटिंग के सैंपल सर्वे से मिलना है। इसका मतलब ये है कि किसी भी गांव में मेरा एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कृषि विकास अधिकारी जाएगा और वो क्रॉप के सैंपल लेगा। उन्होंने लिए हैं, हरियाणा भर में क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस चल रहा है और वो सैंपल लेके ये निर्धारित करेगा कि इस गाँव में, उदाहरण के लिए कासनी गाँव में 20 क्विंटल धान की फसल आनी थी, 16 क्विंटल आई है, तो 4 क्विंटल के पैसे किसानों को सबको मिलेंगे जो गैप रह गया। इसमें से कोई गिरदावरी नहीं होगी कि भी पटवारी नहीं आया, बीमा कंपनी वाले देखने नहीं आए, नहीं, जो सैंपल सर्वे जरूर हो जाए, नहीं हुआ है तो कृषि विकास अधिकारी सबके टच में रहता है, हर 4-5 गाँवों पर एक होता है, बात करें। उसके बाद भी वो पकड़ में नहीं आता है तो जो जिला का कृषि अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होता है, उसको बात करें। फिर एक मुद्दा उठा कि गांव की इकाई है, खेत का क्या होगा? तो जिन जिन चीज़ों में खेत एक इकाई है, जैसे जल भराव उसमें खेत एक इकाई है, ओलावृष्टि खेत एक इकाई है, अनसीजनल रेन खेत एक इकाई है। गाँव की इकाई किन में है? पाला पड़ने में। गाँव किस में इकाई है? गर्म हवा निकलने में, बारिश का लंबा स्पेल, दौर लंबा हो गया, बारिश नहीं आई, उसमें केवल गांव इकाई है जिसमें सबके लिए एक सा ही होता है। लेकिन ये जो नुकसान खेत का है इसके लिए अलग कमेटी है, आपके टीवी के माध्यम से जाएगी, टोटल टीवी के माध्यम से, तो किसानों को पता चलेगा इसकी इकाई SDM तहसीलदार और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है। जो ही ये नुकसान इस तरह का होता है उनको बुलाकर और उनसे नक्शा बनवा कर रिपोर्ट सबमिट करानी चाहिए और उसका पूरा जितना भी नुकसान हुआ है वो कंपनी देगी, इसकी इकाई अलग है। फिर इसके स्टेक होल्डर हम भी हैं, केवल किसान अकेला नहीं है, पैसा मैंने भी दिया ना बीमा का, मैं भी उसका हिस्सेदार हूँ एज ए सरकार, तो बीमा कंपनी से लेकर निकालना ये हमारा काम है। लेकिन वास्तव में जहाँ कमी हुई है, नुकसान हुआ है, वहाँ जरूर मिलेगा। तो उस नाते से, और फिर एक बात हो रहा है, इसमें ये शामिल नहीं है, इसमें बी शामिल नहीं है, इसमें सी शामिल नहीं है, मैं टोटल टीवी के माध्यम से फिर से बता रहा हूँ, इसमें सब कुछ शामिल है, 3 बातें शामिल नहीं है। युद्ध हो जाए दूसरे मुल्क से, नुकसान कर दे तो शामिल नहीं है, आणविक कोई एक्सीडेंट हो जाए, विस्फोट हो जाए तो वो शामिल नहीं है, और कोई खुद नुकसान करे आग लगाकर किसी और तरह से तो वो शामिल नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं सब शामिल हैं, आकाश से गिरी हुई बिजली से लगी हुई आग भी शामिल है। ये बहुत बेहतर बीमे की स्कीम है, इतनी बेहतर स्कीम इससे पहले कभी नहीं थी। सर, आप गौरक्षा की बात करते हैं, बकायदा गायों को बचाने के लिए आपकी सरकार की तरफ से कानून भी लाया गया, इस पर और ज्यादा कड़ाई बरती गई, लेकिन आज हालत यह है कि आपकी सरकार को भी 2 साल हो गए, आपने आते ही इस पर काम किया था कि जो गाय हैं वो पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर हैं, पॉलीथीन खाकर, कूड़ा खाकर वो रास्ते में कहीं पर मर जाती हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इस तरफ सरकार क्या काम कर रही है? आप कानून तो ले आए लेकिन कानून लाने भर से कुछ नहीं होता है, आज भी कई गायें सिर्फ पॉलीथीन और कचरा खाने से मर रही हैं। देखिए, जब 2012 की पशु गणना हुई, कांग्रेस का शासन था उस समय,
117,000 बेसहारा पशु थे। पशुओं को मैं बेसहारा कहता हूँ क्योंकि आवारा नहीं कहना चाहता, वो अपनी मर्जी से नहीं बेसहारा होते, वो तो कर दिए जाते हैं। और हम ये कानून लेकर आए सरकार बनते ही, और हमारे पास 400 गौशालाएँ हैं, उनमें 300,000 पशु थे। हमारी सरकार बनने के बाद 51,000 पशु हमने और गौशाला में भिजवाए हैं। आपकी जानकारी के लिए हमने बेसहारा सांडों की नसबंदी शुरू की है, जिससे बाहर प्रजनन होकर उनकी संख्या ना बढ़े। हम जो है अभी 50-50 लाख रुपया हमने हर डिप्टी कमिश्नर को अलॉट किया है कि बेसहारा पशुओं को जो कठिनाई आ रही है वो तत्कालिक कुछ जो है इंतजाम करें, गौशालाओं में भेजें या टेम्परेरी नंदीगृह वगैरह कुछ बनाएं, कुछ गौशालाएं बनाएं। फिर हम जो भी लोग नई गौशालाएं खोलना चाहते हैं, हमारे पास गोचारण की भूमि है, उसमें से जगह देने को तैयार है। उसका ढांचागत सुविधाएं के लिए हमने जो हमारा गौ सेवा आयोग है उसका बजट बढ़ा दिया है, 20 करोड़ रुपये उसको दिए और भी ओपन रखा है, जितनी ज़रूरत पड़ेगी देंगे, तो उसको हम दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अभयारण्य बना रहे हैं, हिसार में हमारा अभयारण्य बन रहा है, पानीपत में बन रहा है। तो उसके साथ साथ हम इस योजना पर भी काम कर रहे हैं, अगर मान लो हमारे यहाँ बैल ज़्यादा हैं तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ जिसके लिए बातचीत चल रही है कि बछड़ियाँ ज़्यादा पैदा हों, और बछड़े पैदा भी होते हैं तो क्या ऐसे प्रदेशों में जहाँ अभी भी बैलों से खेती होती है वहाँ दे सकते हैं क्या, जैसे भाजपा शासित राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ गौ संरक्षण का मजबूत कानून है। ऐसे सारे रास्तों पर हम काम कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ, और हम चाहते हैं कि गाय घर में आए, इसलिए हमने दूध पर सब्सिडी दी, इनाम दिया 10,000, 15,000, 20,000 रुपये। आज हम कोई गाय अगर 6 से 8 किलो दूध देती है, हरियाणा नस्ल, साहिवाल नस्ल, 10,000 रुपये दे रहे हैं, और 8 से 10 पर 15 दे रहे हैं, और 10 से 12 पर 20,000 रुपये दे रहे हैं। उनकी जो नस्ल है उस पर 2,500,000 के हमने इनाम दिए हैं, जो बेस्ट दूध देने वाली है। रनर अप को जो है 1-1 लाख रुपये के इनाम दिए हैं। A2 दूध को हमने अलग से प्रोसेस करके 60 रुपये किलो बेचना शुरू किया है, जिससे गाय के दूध की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि उसमें केरेटिन है, उसका बीटा कैसिन टाइप जो प्रोटीन है वो A2 टाइप का बेहतर है, हार्ट के लिए, हमारे हाजमे के लिए। आप बताइए लोगों को नेट पर देखकर कि दुनिया के और मिल्कों में भी A2 अलग से बिक रहा है, वो अच्छा है। तो उस नाते से ये सब रास्ते हम अपना रहे हैं कि गाय घर में आए, बछड़ियाँ ज़्यादा पैदा हों, बछड़े पैदा होते हैं तो उनको बाहर भेजा जा सके, और नंदीगृह और गौशालाओं में अधिक से अधिक भेजा जा सके। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। धनखड़ साहब, इसके अलावा आपके पास एक और काफ़ी अहम मंत्रालय है, वो पंचायत विकास मंत्री का, आपके पास मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। सरकार ने इसमें एक बड़ा फैसला लिया, आपकी सरकार की तरफ से पूरा फैसला था शैक्षणिक योग्यता को लागू करने का, कितना बड़ा बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? और खास तौर पर जिक्र इस बात का मैं करना चाहूंगा कि जब आपने फैसला लिया तो उसके बाद एक जो स्थिति बनी थी वो एक पैनिक स्थिति बन गई। कई ऐसे गांव थे जहां पर उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो रहे थे, आज भी वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। कई ऐसी शिकायतें सामने आई जहां पर गलत जानकारी बकायदा क्वालिफिकेशन को लेकर दे दी गई, बाद में मामले दर्ज हुए जब वो प्रकाश में सामने आए। तो क्या आप इसे एक कामयाबी के तौर पर जोड़ेंगे, ये सब जो स्थिति पैदा हुई है, या फिर कैसे आप इसको लेंगे? हर हरियाणा भी गर्व कर रहा है कि आप शिक्षित पंचायत है। ठीक, यहाँ आप अंगूठा लगाने वाले सरपंच नहीं है, उंगली उठाने वाले सरपंच है। हमारे जनप्रतिनिधि अब ऐसे हैं जो नजरें झुकाकर बात नहीं करते, क्योंकि वो डिफॉल्टर नहीं है, उन्होंने बिजली के बिल पे किए हैं, लोन अदा करते हैं, वो आँख में आँख डालकर बात करते हैं। हमारे प्रतिनिधि अपराधी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे कानून लेकर आए थे कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकें, और हमारे प्रतिनिधि ऐसे हैं जो स्वच्छता के प्रति कमिटेड हैं, सबके घर में शौचालय हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी प्रशंसा की थी। मुझे बहुत ही आनंद है कि हमारी पंचायतों की औसत उम्र 34 साल है। हमको बहुत ही आनंद है कि 56% लोग, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, सर्वसम्मति से विजयी होकर आए। 33% बहनों का आरक्षण है, वो 43% आई। 20% हमारे हरिजन बंधुओं का आरक्षण है, अनुसूचित जाति वर्ग का, वो जो है 28% तक विजयी होकर आए भिन्न भिन्न सीटों पर, और एक ऐसी पंचायत बनकर आई जो वास्तव में बदलाव चाहती है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री का एजेंडा है आज वो मेरे पंच का एजेंडा है, मेरे सरपंच का एजेंडा है, और वो स्वच्छता चाहते हैं। नहीं सर, आप कामयाबी का जिक्र तो कर रहे हैं कि आप हुआ, वो लेकिन जो मूल समस्या उससे निकलकर सामने आई है, वो समस्या उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? वो स्वच्छता चाहते हैं, वो बेटी बचाना चाहते हैं, वो अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, वो टिकाऊ विकास करना चाहते हैं, उस एजेंडे को। अभी तो दोबारा चुनाव हो गया, लगभग सब आ गए हैं, बहुत मामूली सी संख्या बची है, उसके बाद चुनाव हो गया है, सब जगह लगभग प्रतिनिधि मिल गए हैं, कोई कठिनाई नहीं है, और पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। और हम पंचायतों को केवल हमने शिक्षित नहीं बनाया, हम उनको सक्षम बना रहे हैं,
पहले करो उनकी ट्रेनिंग होती थी 3 दिन की, एक दिन आना एक दिन जाना एक दिन ट्रेनिंग लेना, अभी 5 दिन रहकर ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा हमने उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, 3 महीने की ट्रेनिंग उनको यूनिवर्सिटी देगी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उन्होंने रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हर बात को सीख लिया है। अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से हम उसको शुरू करने वाले हैं और स्वर्ण जयंती इस वर्ष पे सबका साथ सबका विकास, हर पंचायत को पैसा भेज रहे हैं। पहले बहुत सारी पंचायतें ऐसे बच जाती थी, आप खोज करना हुड्डा साहब के राज में, चौटाला साहब के राज में, जिनको पैसा ही नहीं मिलता था। 14th का कमीशन जो केंद्र का है, 5वां कमीशन जो हमारा है, और बहुत सारे फंडों को इकट्ठा करके स्वर्ण जयंती फंड हमने बनाया है और हर पंचायत को हम पैसा पहुँचा रहे हैं। इस 1 नवम्बर के आसपास सबको मिल जाएगा। तो अच्छा काम करने वाली पंचायतें हम खड़ी करके लाए हैं। हम गांव में सचिवालय बना रहे हैं, पहले तो केंद्र में ही जो है सचिवालय होता था, केंद्रीय सचिवालय, फिर प्रदेशों का सचिवालय होता है, जैसे हमारा एक सेक्रेटरीट है, फिर लघु सचिवालय जिले में बने, आज गांव में सचिवालय बना रहे हैं। हर 3 गाँव के बीच में एक सचिवालय खड़ा कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा सर्विसेज वहाँ देना चाहते हैं। कंप्यूटर लग गया है, ऑपरेटर बैठ गए हैं, सरपंच को बैठने का अपना कमरा मिल गया है, जिसमें ग्राम सचिव बैठेगा, जहाँ पटवारी बैठेगा, जहाँ ADO बैठेगा, गाँव की सरकार वहाँ से चलेगी। एक छोटी सरकार को हम सबल बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और 3 साल इस वक्त आपके पास हैं, इन 3 सालों के लिए ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो विजन है वो क्या है, जो मंत्रालय आपके पास इस वक्त है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं हरियाणा को पहली अर्बन कंसेप्ट पर ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली के 4 करोड़ की मार्केट पर मैंने कहा है, मैं हरियाणा में फूल सब्जियाँ फल उगाना चाहता हूँ, गन्नौर की मंडी को विकसित करना चाहता हूँ, जो देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होगी, और हम चाहेंगे कि यूरोप तक हमारे फूल पहुँचे, मिडल ईस्ट में हमारे फूल और ताज़ा सब्जियाँ पहुँचे, दिल्ली के बाज़ार को हम कैप्चर कर लें। दूध के मामले में हम चाहते हैं कि दूध का बाज़ार हमारा पूरा का पूरा डेवलप हो जाए। पोल्ट्री में हम बहुत अच्छे हैं और अच्छा होने की ज़रूरत है। इनलैंड फिशरीज, उसमें हम आंध्र के बाद नंबर 2 हैं, हम उसको भी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। किसानों की आमदनी बहुत है, खारे और मीठे पानी दोनों में हो सकती है। तो कृषि मंत्री के नाते मेरा सपना यही है, अगर 90 लाख एकड़ में किसान मेरा खेती करता है तो उस 90 लाख एकड़ के किसान को 1-1 लाख रुपए की आमदनी जो है उसको मिलनी शुरू हो जाए। इस ध्येय के रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गांव जो है वो ऐसी इकाई बने कि हम ये बता सकें कि शहर से गांव की तरफ आओ, गांव से शहर की तरफ नहीं, गांव में शहरों की सुविधाएँ देते हुए उनको स्वच्छ सुंदर और इस तरह का बनाते हुए कि जिसमें टिकाऊ विकास वहाँ पर हो और वहाँ की आबादी अपने गाँव पर गर्व कर सके। इसलिए हर गाँव में हम ग्राम गौरव पट लगा रहे हैं, गांव के यूथ को गांव के विकास के लिए जोड़ना चाहते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए तरुण हम उसमें संगठन खड़ा कर रहे हैं गर्वित का। उसके साथ साथ हम इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं कि गांव के अपने लोगों की ऊर्जा गांव के विकास पर लगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हो। तो हमने ऐसी सुविधाएं बनाई हैं कि कोई भी अपने गांव के लिए विकास के लिए पैसा देना चाहता है तो किसी क्लर्क के टेबल पर जाकर नहीं खड़ा होना पड़ो, किसी अफसर को नमस्ते नहीं मारनी पड़े, वेबसाइट से ही वो बता दे कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ और वेबसाइट पर ही अकाउंट दे दें कि आपके सरपंच पंच को पैसा जाने के लिए ये अकाउंट है और आप जो गाँव में विकास करना चाहते हो सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको कोई असुविधा नहीं होगी, उसको करवा कर दे देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं जो आपने एक विजन रखा हुआ है ओम प्रकाश जी की, आपका ये विजन सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर ये पूरा होगा तो जो प्रदेश के जनता है उसका भी भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू करण शर्मा जी, टोटल टीवी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विशेष आप लोगों तक, किसानों तक और ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा के किसान और ग्रामीणों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरें लगातार जारी है टोटल न्यूज पर।